की सबसे बड़ी खबर बिहार के वैशाली से। वैशाली जिले के राघोपुर में एक साथ मिले 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज। सभी मरीज क्वारंटाइन सेंटर पर मिले हैं जो प्रवासी बताए गए हैं। एक साथ 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। राघोपुर प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर पर एक साथ 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद से गांव में अफरा तफरी भी मची हुई है। आपको बता दें कि ऐसा तब हुआ जब एक साथ 24 प्रवासी मजदूरों का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। राघोपुर में पहले भी कई पॉजिटिव मरीज मिले थे और इस तरह यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लोग पूरे गांव को सैनिटाइज कराने की मांग कर रहे हैं। आंकड़े की माने तो वैशाली जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 48 हो गई है। ऑरेंज जोन में इस तरह लगातार पॉजिटिव मरीज मिलने से खतरा और अधिक बढ़ गया है। जिले में बढ़ते आंकड़ों ने जिला प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 2100 के पार पहुंच गई है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। देश की बात करें तो संक्रमितों की संख्या तकरीबन 1,25,000 से अधिक हो गई है। अब तक इससे मरने वालों की संख्या 3,700 से अधिक बताई जा रही है। देश दुनिया की खबरों के साथ साथ स्थानीय खबरों के लिए देखते रहें वैशाली टुडे।